उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के हुक्म से सब जहाँ भी हैं अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक खैर वख़ैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना लगा हूँ, तो तबीयत थोड़ी सी नासाज थी इसलिए वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। तो आज जिनके लिए मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो है जी रोशन गुजर, JR हिस्ट्री, सागर ब्लॉग, खान का ब्लॉग, ये सारे एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और एक ही जगह पर वो झूठ सच बोल रहे हैं। तो आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये सारे मिलकर एक जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं वो इनकी बातें आप सुनेंगे इस वीडियो में, तो फिर आपको पता चलेगा ये इंसान झूठ पर मबनी वीडियो बनाते हैं और अपना इल्ज़ाम किसी और पर लगाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कौन है, RK कौन है, वो उसका नाम लेते हैं जी, RK ने फलां को पैसे दिए, तो वो बंदा इनका होता है, खड़ा इन्होंने किया होता है, तो नाम RK का लेते हैं। तो बहुत गलत इंसान है, बहुत गलत इंसान है, ये 6 बंदे हैं, वो हंटर जोन भी इनकी में शामिल है, सब एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और एक ही जगह पर ये झूठ सच बोल रहे हैं। ये वीडियो देखें इनकी। तो सफर में आपको पता है भूख भी लगती है और नींद भी आती है, तो इसलिए कोई दूसरा काम करने की हिम्मत नहीं रहती शरीर में। ठीक है, बस वीडियो बनाता हूँ रात को और खाने में जो भी मिल जाए खा पी के फ्री। कोई पार्ट टाइम जॉब कुछ नहीं है भाई, यूट्यूब पे हो फुल? बस। ठीक है, कितना कमा लेते हो यूट्यूब से? गाइस इनकम वही अपने 6-7 हज़ार के बीच में, अभी 6-7 हज़ार रुपये महीना इनकम है अपनी, गुजारा निकल जाएगा। अच्छा, निकल जाएगा भाई, अभी बाकी ऑडियंस है क्या पता 7-7 हज़ार होने में टाइम थोड़ी लगता है। बिल्कुल नहीं लगता सर। सर दूसरे नंबर पे आते हैं अपने JR हिस्ट्री सर, काफी काफी डिमांड आ रही थी कि सर का इंटरव्यू लो, सर का इंटरव्यू लो, इंटरव्यू नहीं लो, उनसे हर एक चीज पूछो। तो ऑडियंस के काफी सवाल है सर जो आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहला ये सवाल है कि आपकी यूट्यूब की शुरुआत कहाँ से हुई? कब हुई भाई, कब हुई थी? लगभग मेरे को 3-1 महीने हो चुके हैं यूट्यूब पर काम करते हुए को। मतलब 3 महीने से आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपका चैनल इतना जल्दी ग्रो कैसे कर गया, मतलब कि बहुत जल्दी फास्ट ग्रो हुआ है? ग्रो इसलिए हुआ है गाइस, एक मेरे छोटा भाई है, आप जानते हो Rashid2M को, तो किसी भाई ने उस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी, क्यों दी थी उसका रीजन हमें सभी पता है, बस एक फोटो के पीछे, एक फोटो यूज की थी हमने उसकी, पहले फोन पर बात की थी उस भाई से कि तेरी हम फोटो यूज कर सकते हैं, वो बोला कि आपको फोटो यूज कर लो, मेरी आपको तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। वो शख्स कौन है, उसका चैनल का नाम भी मैं बता दूंगा, RK नाम से चैनल है। तकातक उससे हमने बात की, उसने माँ बाप की गंदी इतनी गाली दी उस आदमी ने, अंदर से मेरे को बहुत फील हुआ। जब मैं खड़ा हुआ, कोई भूत नहीं है, फेक वीडियो बनाता है वो, बहुत बढ़िया सर। अब ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि जब आप यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर रहे थे तब आपके पीछे मतलब कि नहीं है, बट मैसेज जरूर आए हैं, ऐसा नहीं बात कह रहा मैं इंस्टाग्राम पर। बंगड़ साहब इतना बंगड़ बोलता हूँ वैसे भी, तो इसका इंटरव्यू करते हैं। तो हेलो सर, हाय, ऐसी बातें बोले मेरी हो जाएगी। तो सर आप मेरे को ये बताइए, पहले तो आपके मोबाइल ऐसे करता हूँ आपको, नहीं ऐसे कर दो। तो हंटेड जोन सर आपकी शुरुआत कहाँ से हुई यूट्यूब पे? हमारे गांव के शमशान घाट से। शमशान घाट पे आपके, आपको किस वक्त आपको ऐसा लगा कि आप यूट्यूब की दुनिया में धमाल मचा सकते हो और एक बड़े सेलिब्रिटी की नज़र में आ सकते? जी तो आपने वीडियो देखी, पता चला आपको कि ये कैसे बैठकर प्लानिंग बनाते हैं और प्लान बनाकर शोर कार्ड करते हैं, ऐसे शोर कार्ड नहीं करते, हकीकत पर मबनी ये शोर कार्ड नहीं करते, ये सिर्फ प्लान बनाकर और सागर ब्लॉग को या खान के ब्लॉग वाले को
इनको चुड़ैल बना देते हैं, या वो कोई भी जो वो हवाई पावर बनानी हो ना वो इनको बना देते हैं, इनको कपड़े पहना देते हैं और मास्क बना देते हैं चेहरे पर, तो ये इनकी चुड़ैल बन जाती है। तो बहुत गलत बात है। और नाम ये दूसरे आरके का लेते हैं, आरके बंदा जो है ना वो ठीक है, ये गलत है, ये सारे मिले हुए हैं और ये गलत है, आरके ठीक है। तो इनको ये शर्म नहीं आती कि हम इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं कि वो बंदा ठीक जो ठीक बनाएगा उस पर ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जो हम गलत कर रहे हैं तो हम अपना नाम लेते ही नहीं हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें, वीडियो देखी आपने तो आप अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि क्या कौन गलत है और कौन सच है और कौन झूठा है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें।